किराया कैसे अफोर्ड करेंगे? मैंने भी कह दिया ठीक है, मेरी अम्मी के घर में तीसरी मंजिल पे जो दो कमरे खाली है ना, हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे बस। जब आप अपनी ही औलादों में फर्क करेंगी ना तो यही होगा। तुम मैंने क्या किया? पर जाने दे अम्मी, कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा और कहूंगा भी तो कौन सा फर्क पड़ जाना है? कहने तो तुम्हें रस्मन दो तीन दिन के लिए कहे मगर तय ये किया है कि चार पांच दिन के बाद हाँ कहते जाए। आयजा, सादिया की शादी कैसी रही? माशाल्लाह बहुत अच्छी। सादिया के तो पेपर्स भी तैयार हो गए ना, एक हफ्ता हो गया शादी को तो छोटी खाला उसे पूरे हफ्ते के लिए घर ले आई। हाँ भाई, अब अमेरिका जाएगी तो एक साल से पहले तो आने से रही। जी इसीलिए। भाई माशाल्लाह तुम्हारी खाला बहुत लकी हैं। पिछले साल उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी की, वो ओमान चली गई और सादिया भी अमेरिका जा रही है। वाह जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह नजरे बद से बचाए। वैसे मेरी छोटी खाला बहुत परेशान रहती थी, तीन तीन जवान बेटियां और बेटे छोटे। एक्चुअली तुम्हारी खाला बहुत सोशल हैं, उनकी बेटियां बहुत स्मार्ट हसमुख। अब हमारी नोनी की तरह भाई आजकल दब्बो लड़कियों के रिश्ते आना बहुत मुश्किल है। अरे अम्मी, आपने अपिया को बताया नहीं? क्या? हमारी नोनी का समझे अब्बा ने रिश्ता तय कर दिया कामरान के जानने वालों में। क्या? मैं ये क्या सुन रही हूं? पप्पू, ये सब मेरे लिए? बेटा निम्रा को भी दोगे आप? ठीक है, जाओ मामा को दिखा जाके, आधे आपके आधे निम्रा के हैं। ठीक है? तुम फिर इतना कुछ ले आई? अरे मैं कहां लेकर आई हूँ अम्मी, फहीम ने भिजवाया सब कुछ, ड्राइवर ऑफिस से वापसी पे साथ लेता हुआ आया। आप बताएं कैसे मिजाज है मोहतरमा के? कैसे होने चाहिए, अब तो वो उम्मीद से भी हैं। अब तो हमारे अब्रार उनके पैर धो के पीने को भी तैयार। अरे अब्रार क्या अम्मी, मैं तो खुद उसका हर नखरा सहने को तैयार हूँ। मैंने फहीम से कह दिया है पूरी कानूनी कार्रवाई कर ली, एक दफा बच्चा हमारा हो जाए बस, कोई दावेदारी नहीं चलेगी मोहतरमा की। होना भी चाहिए, इनसे कोई वईद नहीं है। कब तुमसे दिल खट्टा हो जाए और बच्चा उठा के ले? अब और नहीं तो क्या अम्मी, ऐसी हालत में खट्टा खाने को दिल कर ही जाता है इंसान का। अस्सलाम वालेकुम निगार। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? तुम्हारी बात हो रही थी अभी। अच्छा? हाँ, अम्मी कह रही थी मैं अपनी बहू के लिए अचार और इमली की चटनी बनाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप अब हमसे ज्यादा अपनी बहू की खातिर करें। क्यों ना करूं, मेरी बहू है भी तो इतने गुण वाली। अब्रार तुम फिर वापस आ गए? क्या बताऊं, गाड़ी बंद हो गई, कितनी मुश्किल से लेके यहां तक पहुंचा हूं मैं ही जानता हूं। अम्मी, मुन्ना अब तक सो रहा है या जाग रहा है? जाग रहा है बेटा, आज भी कह रहा था कि मैं ऑफिस जाऊंगा, जिद भी की लेकिन मैंने जाने नहीं दिया। शुक्र, भिजवाता हूं उसे मैकेनिक के पास। ठंडा पानी तो पिला दो कम से कम। जी लाइए। इस गाड़ी ने तो परेशान करके रख दिया है। रिश्ता तो मुनासिब है और लोग मजबूर भी हैं, लालची नहीं है।
क्या हो गया अब्बा, आप तो आंखों देखी मक्खी निकलने की बातें कर रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा ने अभी उन्हें जवाब नहीं दिया है। उन्हें तो साफ मुंह पे खरा जवाब दे देना चाहिए था। मैं कह रही हूँ ना, चले माना कि पहले रिश्ते में कोई कमी थी, लेकिन ये तो कुएं से बचा के खाई में फेंकने वाली बात है। अपिया, लड़का एमकॉम है, कामरान कह रहे थे कि बहुत तरक्की करेगा। कर ले, रहेगा तो तनख्वाहदार ही ना। जब एक बहन के लिए नोनी से शादी कर रहा है तो दूसरी बहन के जैस के लिए दूसरी शादी कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो और अपने सामने ठीक करवाना, और नजीर से कहना जरा ठीक से चेक कर ले, क्या बार बार मसला कर रही है। जी भाई साहब। बेटा साए में रहना, अच्छा अभी बीमारी से उठे हो, धूप या गर्मी में ना खड़े हो जाना। चले, ये भी ठीक कहा आपने, तो इसको भेजने की जरूरत क्या है। अगर मेरे पास काम ना होता ऑफिस में और मैं छुट्टी कर लेता तो खुद चला जाता। नहीं तो और क्या, अम्मी चाहती है कि उस पर कोई बोझ ही ना डाला जाए। नहीं नहीं भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम खुद करवा के लाऊंगा, आप फिक्र ना करें। तो जाओ ना। एक तो इस गाड़ी से इतना परेशान हूं, जब देखो जहां देखो बंद हो जाती है। हाँ, जैसे उस दिन याद नहीं, आप जब मुझे चेकअप के लिए लेकर जा रहे थे, बीच रास्ते में बंद हो गई। एक घंटे कभी मैं सड़क पर खड़ी रही, कभी बंद गाड़ी में बैठी रही, दिल घबरा गया मेरा। ओहो, तो तुमने मुझे फोन कर देना था, मैं ड्राइवर और गाड़ी भिजवा देती तुम्हें। कैसी बात कर रही हो, अब हर बात के लिए तुम्हें परेशान किया जाए क्या। कुछ भी अब्रार, इस दफा गाड़ी को बिल्कुल ठीक से सही करवा ले, अगर कभी इमरजेंसी के वक्त खराब हो गई ना तो मसला हो जाएगा। अब्रार, बस अब तुम कैसे भी करके इस गाड़ी से जान छुड़वाओ। निगाह, कैसे छुड़वाऊं, इसको बेचकर कोई नई गाड़ी लेता हो 3 से 4 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। क्या मेरे अल्लाह, 3 नशाने पर लगवाओ प्लीज। आमीन सुम्मा आमीन। तो तुम हमारी गाड़ी रख लो, वैसे भी फरहान अपनी गाड़ी तो छोड़कर ही गया है ना। नहीं नहीं निगार, मतलब कैसे, वही क्या सोचेगा। रहे पुत्तू के पुत्तू। अरे निगार, हम तो बस गुजारा कर रहे हैं, मुझे तो बस फिकर लगी हुई है। बस मैं अभी घर जाकर ड्राइवर के हाथ गाड़ी भिजवा रही। लेकिन निगार, फहीम कुछ नहीं कहेंगे। फहीम, 4-5 महीने अगर ये गाड़ी तस्नीम के काम आ जाएगी तो कोई घिस नहीं जाएगी, और वैसे भी अपनी है हमारी, ऑफिस की नहीं है। चलो जैसे तुम ठीक समझो। अरे एक बार आ तो जाए, फिर मैं देखती हूँ वापस कैसे जाएगी। हाय अपिया, क्या बताएं, नोनी अपने घर की होगी और हम बेघर हो जाएंगे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा अब्बा को क्या हो गया है। ठीक है, हम सब यही चाहते हैं कि नोनी की शादी हो जाए, लेकिन दुनिया से निराले तरीके से कौन शादी करता है। आपके भैया तो इस मामले में कुछ बोल ही नहीं रहे, आप तो नाराज थी, अब्बा की सारी नाराजगी हमने ही बर्दाश्त की है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मुझे पता है कामरान की तो घर के हिस्से पे नजर है, सब समझती हूँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपिया, अब्बा जानना आपकी बात मान लेंगे, यकीन कीजिए घर हो ना हो अल्लाह मियाँ कोई ना कोई ठिकाना जरूर बना देते हैं, लेकिन नोनी को ऐसे लालची लोगों में दे देना, मेरा दिल तो बहुत डर रहा है।
खैर मैं अब्बा को ऐसा करने तो दूंगी नहीं, नोनी जैसी भी है मेरी बहन है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब अबिया ही इस शादी को रुकवाएंगी, वरना कमबख्त रूबी तो जैसे दांत गाड़े बैठी थी। वैसे क्या कीमत लगी है घर की, अब्बा ने किसी एजेंट को दिखाया? जी मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर हिस्सा तो सबका ही है ना। बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा पास्ता बनाया था, आपको पसंद है ना? हाँ, पर प्लीज तुम नोनी से बोल देना कि मेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना ले, बहुत अच्छा बनाती है। जी जी आप आराम से बैठे ना। तौबा, इनका दिमाग भी पैसे के फेरे में ना चल पड़े, थोड़ा खातिर करके मुट्ठी में रखना पड़ेगा। जी भाभी पास्ता तो है लेकिन व्हाइट सॉस के लिए तो चीजें लानी पड़ेंगी। ओहो अब इतनी गर्मी में मैं अब्बा को बाहर कैसे भेजूं? ऐसे करें ना, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं काशिफ के साथ जाके ले आती हूँ, पास ही में तो स्टोर खुला है, वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ वाकई पास में तो नया स्टोर खुला है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम वहाँ अकेली चली जाओ? वो काशिफ को ना मैंने सोने लिटा दिया है। और हाँ एक रिक्वेस्ट है, तुम ना ये सब रुबीना से डिस्कस मत करना, तुम्हें पता है ना वो फिर बुरा मान जाती है। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं पीछे के दरवाजे से जाऊंगी, बस जैसे मिस्ड कॉल दूँ ना आप दरवाजा खोल दीजिएगा। ठीक है अब मैं पैसे ले आती हूँ। मैं जानती हूँ भाभी आप अपिया की इतनी खातिर क्यों कर रही हैं, लेकिन अगर ऐसा करने से मेरे अब्बा का ये घर बच सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम सब लोगों ने अपनी अपनी कर ली है, अब मैं अपनी बेटी का फैसला खुद करूंगा। लेकिन अब्बा आप इस तरह ही घर थोड़ी सेल कर सकते हैं। तो कैसे बेच सकता हूं और क्यों नहीं बेच सकता है? मैं इस घर का मालिक हूं। तो क्या इस घर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? देखो बेटी तुम भूल रही हो कि मैं इस घर का मालिक, वाहिद मालिक, अपनी जिंदगी में इस घर का सौदा कर रहा हूं। मेरे मरने के बाद तुम इसके हिस्से बकरे कर लेना, लेकिन फिलहाल मैंने अपने मरने का इरादा मुलतवी कर दिया है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मैं यूं ही खुश हो रही थी। यार नजीर भाई कितनी देर में आएगा वो? उसे सामान लाने में घंटा लग जाए। घंटा? घंटा लग जाए। चलिए मैं फिर थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है आप ऊपर आ जाना। अब यार पता होता ये सब होने तो घर से कुछ खाने को ले आता, अब काम खा खाने पे भी 100-200 रुपए लग जाएंगे। भूख लग रही है, कुछ खाना भी है। चलो जिंदगी उसी की रंग में रंगी है, लागे जैसे फिर भी प्रीत की कमी, उस बिन मन ये तन्हा जागा। किस लड़की की बात कर रही हैं आप? मैंने तो सादिया की कजन के साथ किसी लड़की को नहीं देखा। बाद में मेरी टेबल पे आके बैठ गई थी ना, मैंने खुद पूछा था। अच्छा कैसी थी? अब्बा कैसे इस घर को छोड़ सकेंगे? काश मैं उनसे कह सकती, उनसे मनवा सकती कि मुझे शादी नहीं करनी है। ये घर मेरा है, मैं इसे बेचकर तुम्हारी शादी करूंगा।
अगर ट्रकों में भर कर जहेज लाने वालियों की शादियां हो सकती हैं, तो मेरी बेटी की शादी भी होगी। उसे भी जहेज मिलेगा। जब एक बहन की शादी के लिए नोनी से शादी कर रहा है, तो दूसरी बहन के जहेज के लिए दूसरी शादी कर लेगा। काश कि मैं मर जा, मेरे बूढ़े माँ बाप इस तरह बेईमान तो नहीं होंगे, भैया इस तरह दुखी तो नहीं होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इतनी पसंद आ गई है लड़की, तो मैं फौरन बात करती हूँ। देखने में भी ना बहुत ही खिदमत वाली और सुलझी हुई लड़की लग रही थी, बल्कि उसकी माँ भी ना बड़ी सीधी सी लग रही थी। मेरे ख्याल में मेरे मुन्ने के लिए ये लड़की बहुत अच्छी रहेगी। फिक्र ना करें आप, फौरन पता करती हूँ मैं। तुम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग नहीं, तुम्हारी ज़हनियत खराब है। अकेली लड़की देखी नहीं कि बदतमीजी शुरू। मैंने बदतमीजी की है? मैंने बहुत बड़ी हिमाकत की है जो तुम्हारी जान बचाई। गाड़ी के नीचे आके मरने वाली थी तुम। तो किसने कहा था कि एहसान करो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? ओ हेलो, हाथ तो दूर की बात, तुम जैसी को तो कोई मुंह भी ना लगाए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, वो भी इस हाल में। अगर शक्ल थोड़ी सी अच्छी होती तो पता नहीं खुद को कहीं की महारानी समझती। जाओ जाओ, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो। खुद जाके देखो, मेरी तुमसे बेहतर ही है। देखा, मैं कहता था ना कि तुम्हारी आंखों का कोई मसला है, जरूर कोई प्रॉब्लम है। कहीं काला मोतिया तो नहीं हो गया? इलाज करा लो बीबी, वरना पूरी अंधी हो जाओगी। इन आंखों के साथ तुम चीजों और लोगों को ठाठा करके टक्करें मार रही हो, फिर तो तुम ट्रक को ही टक्कर मार दोगी। पागल, खुद होगा पागल, जाहिल, गवार, अपनी आंखों का इलाज करवा। पता नहीं कहां से आकर हमेशा टकरा जाती है मुझसे। अच्छा होता गाड़ी के नीचे आके मर जाती। अल्लाह करे आप रोड क्रॉस करें, गाड़ी टक्कर मार के चली जाए। तो थप्पड़ ही मार दिया मुझे, नेकी का कोई जमाना ही नहीं है। ऐसी बाल बाल बची हूं, कोई और होता तो शुक्रिया अदा कर भी रही थी, तो है ही थप्पड़ के काबिल। अरे अब्बा, आपने हमें इतना गैर समझा। मैंने कह तो दिया था कि नोनी की शादी के अखराजात में जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। ये तुम्हारी मोहब्बत है बेटा, लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं दे सकता। अल्लाह ना करे अब्बा आपको किसी की मदद की जरूरत पड़े। ये तो वो है जो मैंने और सबीना ने हमेशा नोनी के लिए चाहा। ये 3 लाख आप हमारी तरफ से तोहफा समझें, बाकी के 3 लाख आप मुझसे अभी ले लीजिए, जब मुनासिब समझिएगा लौटा दीजिएगा। यानी अब इतनी मोहताजी हो गई है कि मैं तुमसे कर्ज लूंगा। दामाद का एहसान। अब्बा प्लीज, हम छोटों की क्या मजाल के हम आप बड़ों पे कुछ एहसान करें। ये मेरे पास जो कुछ भी है सबीना के नसीब और आप बुजुर्गों की दुआओं की वजह से। ये तुम्हारी सादतमंदी है बेटा, लेकिन ये जो कुछ है ये तुम्हारी मेहनत का सिला है। नोनी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरा करूंगा। अब्बा प्लीज, यूं बेघर होके अगर आपने नोनी का घर बसाया तो फिर आप, अम्मा और शालम कहाँ जाएंगे?
नहीं, अपनी कितनी जिंदगी बाकी रह गई, जो थोड़ी बहुत रहेगी वो कट जाएगी। शायद हम अपना भला खुद सोच लेते हैं, बाकी रहे लड़के वाले, तो भाई जो कुछ वो चाहते हैं वो तो 6 लाख में भी नहीं होगा। ऐसा क्या चाहिए ने? उनको घर के सिवा सब कुछ चाहिए। अजीब आदमी हो यार, मैं तुम्हारी जगह होता तो 2000 रुपए से 1 रुपया ऊपर ना देता उसको। मतलब 5000 का बिल बनवा दिया तुमने। अच्छा तो ठीक है ना, आप मुन्ने को 2000 ही दीजिएगा, मुन्ना अपने पास से 1000 रुपए मिला देगा। क्यों मुन्ने? मैं असल में मेरी अम्मी को आपकी नंद नौरीन बहुत अच्छी लगी है, तो हम आना चाह रहे थे आपके घर। नौरीन जी, वो अम्मी मेरे छोटे भाई के लिए नौरीन का रिश्ता चाह रही है जी।